लोहड़ी का त्यौहार सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू में बहुत ही धूमधाम से 13 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 14 जनवरी को पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। रबी की फसल पकने की खुशी में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोग मूंगफली, रेबड़ी, तिल इत्यादि ले जाकर मंदिरों में पूजा करते हैं और रबी की अच्छी फसल देने के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सूर्यास्त होते ही संयुक्त रूप से लोहड़ी जलाने का भी प्रचलन है। अग्नि प्रज्वलित होते ही सभी लोग अग्नि में रेवड़ी, मूंगफली जलाकर पूजा करते हैं और सूर्य देवता से अपने संरक्षण की कामना भी करते हैं। बहुत वर्षों से लोहड़ी के साथ एक पौराणिक चरित्र भी जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन लोहड़ी त्यौहार में गाए जाने वाले लोक गीतों में भी मिलता है। दूल्हा मही एक राजपूत डाकू था। उसके पूर्वज पिंडा भाटिया स्थान, जो अब पाकिस्तान में है, के राजा थे। दूल्हा भट्टी राजा अकबर के कार्यकाल में पंजाब में रहता था। वह डाकू आते जाते अमीर व्यापारियों को लूटता था, परंतु उसके चरित्र का एक और पहलू बहुत ही नेक था। उन दिनों भारतवर्ष में जबरन हिंदू लड़कियों को स्लेव बनाकर मिडिल ईस्ट में बेचा जाता था। दूल्हा भट्टी उन लड़कियों को उनके चंगुल से निकालकर हिंदू लड़कों के साथ उनका विवाह रचाता था और कुछ दहेज की व्यवस्था भी करता था। इसलिए प्रत्येक लोहड़ी के लोकगीत में दूल्हा भट्टी को विशेष रूप से धन्यवादित किया जाता है। लोहड़ी के दिन सभी बच्चे एकत्रित होकर घर घर जाकर दूल्हा मही की प्रशंसा में लोकगीत सुनाते हैं और बदले में उनको लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ियाँ, पाथियाँ, कंडे इत्यादि प्राप्त होते हैं और खाने के लिए तिल, चावल, गुड़, गजक इत्यादि भी मिलते हैं।